लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए खाने से पहले इस्तेमाल करने का नुस्खा है, ज़ोफ़े इश्तेहा के लिए इस्तेमाल होने वाला नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है। तीन चीजें हैं, एक जंजबील है, दूसरा जायफल है, तीसरा जो है इलायची खुर्द। ये तीनों को आप पाउडर करके एक ग्राम खाने से पहले, तीन चीजें इक्वल क्वांटिटी खाने से पहले एक ग्राम तीनों मरतबा खाना दोपहर आफ्टरनून एंड नाइट को खाने से पहले इस्तेमाल कराएंगे तो आप बेहतरीन एपेटाइजर है, आप इस्तेमाल करा सकते हैं। आप देखिए उसके बाद मरीज को, ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, आपको इतने बेहतरीन मुआसिर नुस्खे हैं, आप जब इस्तेमाल कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कैसी किस्म की जान है। तभी आप जो है बस बड़ी शान से बैठ कर एक सिरप लिख देंगे और 20 रुपए ले लेंगे तो समझते हैं कि बहुत बड़े डॉक्टर, या 50 रुपए ले लेंगे तो बस मैं एक सिरप लिख दिया वो सिरप के अंदर यह चीज है तो समझो कि जो है आपको जो 50 रुपए मिल गए तो खुश हो गए। मैं क्या बोलता हूँ, ये आसान नुस्खे देकर आप 50 रुपए लेना है तो ले लीजिए कोई मसला नहीं, लेकिन ये परमानेंट नुस्खा है, परमानेंट मरीज को जो है अच्छा करने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि जो है ना आपको जो है टेम्पररी इस्तेमाल करना है, जब मरीज का मर्ज खत्म हो जाए तो उसको जो है क्वांटिटी भी कम कर ले सकते हैं और उसके बाद जो है मरीज को जो है गजा के अंदर कन्वर्ट करके उसको गजा के अंदर इस्लाह करते हुए लेके चले जाना बस आसानी से। अक्सर लोगों को जो ये कॉन्स्टिपेशन है, क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, ये सब चीजों को हमेशा आप गजा पर जोर देना, गजा से जो चीजें आपको 50% हल हो जाती है, 50% आप गजा से उस मरीज को अच्छा कर देते हैं। क्योंकि जो बादी गजाएं हैं, जो ऑयली फूड है, जो मतलब तेज चरपरी गजाएं हैं, जैसे कि जो मिर्ची वाली मसाले वाली गजाएं, ये है मेन उसको परहेज कराना मरीज को, उसके साथ आप दवाएं देंगे तो बेहतरीन आपको जो उसका असर देखा गया है। तो उसका नंबर आप 4 लिख चुके हैं ना, 4 वाले उसको लिखे ना उसका नंबर जी, 5